पॉलीसिस्टिक किडनी बीमारी क्या होती है, कैसे आपकी किडनी को ये इफेक्ट करती है। जब कभी पॉलीसिस्टिक किडनी का पेशेंट अपना अल्ट्रासाउंड करवाता है तो वो क्या देखता है कि उसकी जो किडनी का साइज है वो बड़ा होना शुरू हो गया। साइंस संजीवनी क्या कहता है कि हम इस सिस्ट की फॉर्मेशन को रोक सकते हैं, किडनी की जो फंक्शनिंग है वो बच जाती है, आपके किडनी लेवल यूरिया लेवल बढ़ना बंद कर देते हैं। सिंगल किडनी होने के बावजूद भी उस पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल नहीं बढ़ता, यूरिया का लेवल नहीं बढ़ता। अब अपने आप से सवाल करो कि ऐसा क्यों होता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीसिस्टिक किडनी के बारे में और जानेंगे कि पॉलीसिस्टिक किडनी बीमारी क्या होती है, कैसे आपकी किडनी को ये इफेक्ट करती है, क्यों आपके क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं और कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। किडनी फेल होने के बहुत सारे कारण होते हैं, सबके अंदर क्रिएटिनिन बढ़ता है मगर सबके पीछे एक ही कारण हो वो ज़रूरी नहीं होता। कभी कभार जब पेशेंट हमारे पास आता है उसके अंदर हम देखते हैं कि उसकी किडनी खराब हो रही है हाई बीपी की वजह से, कभी कभार हमें मिलता है शुगर की वजह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो रही है और कभी कभार हमें मिलता है कि आईजी नेफ्रोपैथी की वजह से किडनी फेलियर हो रहा है। सबके अंदर आपको क्रिएटिनिन बढ़ता हुआ नजर आ जाता है। इसी तरह से एक बीमारी होती है पॉलीसिस्टिक किडनी, जिसके अंदर किडनी के ऊपर सिस्ट बननी शुरू हो जाती है। जब कभी पॉलीसिस्टिक किडनी का पेशेंट अपना अल्ट्रासाउंड करवाता है तो वो क्या देखता है कि उसकी जो किडनी का साइज है वो बड़ा होना शुरू हो गया है, उस पर मल्टीपल सिस्ट बन रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि किडनी की फंक्शनिंग इफेक्टेड होनी शुरू हो जाती है, किडनी कम काम करना शुरू कर देती है। अब किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है खून को फिल्टर करना, खून को फिल्टर करके जितना वेस्ट मटीरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो अगर किसी भी वजह से किडनी की इस फंक्शनिंग पर असर आएगा तो क्या होगा कि वेस्ट मटीरियल प्रॉपर तरीके से बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा और वो वेस्ट मटीरियल कौन सा है? क्रिएटिनिन और यूरिया। तो जब पॉलीसिस्टिक किडनी की वजह से अगर आपने ध्यान से देख रहे हो स्किन के ऊपर, तो पॉलीसिस्टिक किडनी में हो क्या रहा होता है कि किडनी के ऊपर सिस्ट बन रही होती है। जैसे आप देख सकते हो अपने स्किन के ऊपर सिस्ट बननी शुरू होती है। जब ये सिस्ट बनती है जितना ये ऊपर की तरफ फूलती है उतना ही नीचे की तरफ दबाव भी बनाती है, प्रेशर भी बनाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जहां पर खून साफ होता है एक्चुअली जहां पर नेफ्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं वहां पर दबाव पड़ना शुरू होता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आपको ऊपर से कोई दबाव डाले तो आप काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सेम एग्जैक्टली किडनी के साथ भी होता है। इन सिस्ट की वजह से जो नेफ्रॉन्स हैं वो दबाव में आ जाते हैं, दबाव में आ जाने की वजह से उनकी जो फंक्शनिंग है वो इफेक्टेड होनी शुरू हो जाती है, वो सही तरीके से खून को फिल्टर नहीं कर पाते हैं और रिजल्ट क्या होता है कि क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है और आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस हो रहा है, खून की आपकी कमी देखने को मिल जाती है, एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। अगर इस पेशेंट के अंदर हम क्रिएटिनिन के पीछे भागते रहेंगे कि हमें क्रिएटिनिन को कम करना है, क्रिएटिनिन को कम करना है, तो क्रिएटिनिन कम हो जाता है मगर हमें लॉन्ग रन के अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो क्रिएटिनिन कम हुआ था फिर वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि किडनी के ऊपर जो सिस्ट बन रही है उसका जो दबाव है वो रिलीव नहीं हुआ, वो कम नहीं हुआ, वो बढ़ता जा रहा है, जिससे किडनी का नुकसान और बढ़ता जा रहा है। तो अगर एक पॉलीसिस्टिक किडनी का पेशेंट हमारे पास आता है तो साइंस संजीवनी में हम क्या करते हैं, क्या माइंड में लेके चलते हैं कि हमने क्या ठीक करना है? तो किसी भी पॉलीसिस्टिक किडनी पेशेंट के अंदर हमें दो चीज़ों पे एक साथ काम करना पड़ता है। पहली चीज़ क्या होती है कि सिस्ट, जिसकी वजह से किडनी को नुकसान हो रहा है। अब ये जो पॉलीसिस्टिक किडनी है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, ऐसी बीमारी है जो आपको परिवार में देखने को मिल जाती है कि भाई को भी है, बहन को भी है, मदर को भी थी, फादर में से भी किसी को एक हो सकती है, उसकी वजह से ये आपकी फैमिली में आ रही है। और इसमें फैमिली में आने की वजह से क्या होता है, ये आपकी जीन्स डीएनए के अंदर है, यानी वो सिस्ट बननी ही बननी है मगर हम उसको बनने से बहुत ज़्यादा रोक नहीं सकते। मगर हम क्या कर सकते हैं, हम उसका साइज़ को कम कर सकते हैं, साइज़ को बढ़ने से रोक सकते हैं। अब ऐसे पॉलीसिस्टिक किडनी के केस के अंदर साइंस संजीवनी क्या कहता है कि हम इस सिस्ट की फॉर्मेशन को रोक सकते हैं, इस सिस्ट को हम फर्दर ग्रोथ लेने से रोक सकते हैं कि ये और सिस्ट आपके लीवर पे, आपके किडनी पे और ग्रोथ ना ले। अब साइंस संजीवनी में पॉलीसिस्टिक किडनी के पेशेंट की कैसे हेल्प की जाती है वो जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कोई भी पेशेंट जो आ रहा है पॉलीसिस्टिक किडनी का, हमें पता है कि उनकी किडनी के ऊपर सिस्ट बन रही है। अब हम काम वहीं सिस्ट से स्टार्ट करते हैं कि सिस्ट को हम फर्दर फॉर्मेशन से रोक देते हैं कि जो सिस्ट बन गई है ठीक है मगर इसके अलावा और सिस्ट ना बने, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो सिस्ट बनी हुई है वो ग्रोथ ना ले, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ हम क्या करते हैं कि वो जो सिस्ट बनी हुई है उनका साइज छोटा करना शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है किडनी के अंदर जो प्रेशर बन रहा होता है इन सिस्ट की वजह से वो कम होना शुरू होता है और रिजल्ट क्या होता है कि किडनी की जो फंक्शनिंग है वो बच जाती है, आपके किडनी लेवल यूरिया लेवल बढ़ना बंद कर देते हैं। मगर यहाँ सिर्फ काम नहीं बनता, जो आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है उसको भी डाउन किया जाता है। क्रिएटिनिन है वो बढ़ा हुआ है तो उसे डाउन किया जाता है, यूरिया है तो उसको डाउन किया जाता है। अब क्रिएटिनिन यूरिया को अगर हमें डाउन करना है तो हमें किडनी की फंक्शनिंग
को समझना पड़ता है, किडनी की खूबियों को समझना पड़ता है, तब जाकर हम क्रिएटिनिन और यूरिया को डांग कर पाते हैं। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। किडनी हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जिसके पास एक स्पेशल पावर होती है कि वो अपने फंक्शंस को डबल कर सकती है। जैसे हमारा लीवर है, लीवर क्या करता है कि अगर लीवर को किसी टाइप का नुकसान हो रहा है तो लीवर रीजनरेट कर जाता है, मगर किडनी रीजनरेट नहीं करती। किडनी के पास खूबी है अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की, यही हमें फंक्शन को यूज करना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो अगर एक इंसान ने अपनी एक किडनी दूसरे इंसान को दी, अब जिसने किडनी दी है उसके पास सिंगल किडनी होगी, मगर सिंगल किडनी होने के बावजूद भी उस पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल नहीं बढ़ता, यूरिया का लेवल नहीं बढ़ता। अब अपने आप से सवाल करो कि ऐसा क्यों होता है। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि किडनी अपने फंक्शंस को डबल कर सकती है। यानी अगर किडनी आपकी 60% डैमेज हो चुकी है, 40% काम कर रही है, उस 40% किडनी से हम 80% तक का काम ले सकते हैं। और यही काम साइंस इंजीनियरिंग में किया जाता है, किडनी की फंक्शंस को बढ़ाया जाता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो फिल्ट्रेशन पावर है आपकी किडनी की, क्रिएटिनिन को बाहर निकालने की, यूरिया को बाहर निकालने की, वो बढ़ जाती है। और रिजल्ट क्या होता है कि आपकी क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल डाउन होने शुरू हो जाते हैं। और ऊपर से हम साथ साथ क्या कर रहे हैं कि हम सिस्ट पर भी काम कर रहे हैं। जब सिस्ट की कमजोर होनी शुरू होती है, सिस्ट की फर्दर फॉर्मेशन नहीं होती, सिस्ट का साइज श्रिंक करना शुरू करता है, तो लॉन्ग रन में हमें क्या देखने को मिलता है कि ऐसे पॉलीसिस्टिक किडनी के पेशेंट के अंदर लेवल हमें बढ़ते हुए नहीं देखने को मिलते। वो स्टेबल हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, मगर वो बढ़ते नहीं है। मगर पॉलीसिस्टिक किडनी पेशेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनको हमेशा अपने सिस्ट का ट्रीटमेंट सबसे पहले शुरू करना चाहिए कि सिस्ट की फॉर्मेशन, फर्दर फॉर्मेशन ना हो। क्योंकि अगर हम सिस्ट की फर्दर फॉर्मेशन होती रहेगी तो आपकी किडनी पर प्रेशर आता रहेगा और किडनी आपकी कम काम करती चली जाएगी। तो सबसे ज़रूरी है सिस्ट का ट्रीटमेंट। फिर दूसरा काम क्या है, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना, जिससे आपके क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल डाउन होने शुरू हो जाए। अगर पेशेंट इन बेसिक चीज़ों को समझ जाता है तो वो बहुत आराम से अपनी पॉलीसिस्टिक किडनी दिक्कत को हैंडल कर लेता है। पॉलीसिस्टिक किडनी क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसलिए हमें इसे लाइफ टाइम फाइट करते रहना पड़ता है। सिस्ट की साइज को हमेशा कंट्रोल में रखना पड़ता है। अगर पेशेंट इस पर रेगुलर काम करता रहता है तो लॉन्ग रन के अंदर पेशेंट को बहुत ज़्यादा फायदा ये होता है कि किडनी कभी फेल नहीं होती, डायलिसिस नहीं करवाना पड़ता, ट्रांसप्लांट नहीं करवाना पड़ता। तो ये पॉलीसिस्टिक किडनी की जितने भी पेशेंट हैं ये लेके चले कि उनकी फाइट इस पॉलीसिस्टिक किडनी से लाइफ टाइम बनी रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप पॉलीसिस्टिक किडनी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ गए। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ वीडियोस देखें, कुछ पेशेंट्स के इंटरव्यूज सुने जो साइंस इंजीनियरिंग में अपना किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट लेने आते हैं, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि साइंस इंजीनियरिंग किडनी फेलियर की फील्ड के अंदर लोगों की कैसे हेल्प करती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो पॉलीसिस्टिक किडनी के बारे में या किडनी फेलियर के बारे में, तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे जाऊंगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।